गाइस वेलकम टू अवर न्यू वीडियो। और जैसा कि आप देख रहे हैं अभी मीनूडी मॉर्निंग के बजे हुए, मेरे ख्याल से दिख रहा है, नहीं दिखाई नहीं दिख दे रहा रहा है, तो 6:22 बजे हुए, एडजस्ट कर लेना। तो 6:22 बजे हुए और मीना हो रही है तैयार, और हम रेडी वो हो जो चुकी हूँ है ना मैं। ना तैयार हो रही है। अभी देखिए बाल देखिए, नहीं, अभी क्रीम रेडी पाउडर घसली की लेने हो रहा है इनका, क्रीम पाउडर है, मैंने घस लिया है इसीलिए ठीक मैं है। इनसे ज्यादा व्हाइट दिख रही हूँ। और मैं भी हो गया रेडी, और हमारा आज कहीं का प्लान है जाने का, तो वो तो हम आपको फिलहाल बताएंगे नहीं कि हम कहाँ जा रहे हैं। और हम जाए ऐसे इतना बता सकते हैं कि हम जाए ऐसी जगह रहे कि जो पिथौरागढ़ के अंदर सबसे अच्छी जगह मानी जाती है और और फेमस फेमस जगह मानी जाती है। तो आज हम जा रहे हैं वहां, और वो भी अकेले नहीं जा रहे हैं। आज का प्लान है विथ फैमिली, फैमिली। और आज सावन का कौन सा सोमवार? सेकेंड नहीं थर्ड थर्ड सोमवार, देखो भूल गई मोटी। और इसका फास्ट नहीं है, है, क्यों ठीक कह रहे हो है नहीं है। और क्या? मेरे साथ सुबह सुबह एक पोपट हो गया। मेरे पास मेहंदी का कोन पहले से रखा था, और ये देखिए गाइस, मैंने इतनी अच्छी मेहंदी लगाई और मेहंदी का कलर ही नहीं आया। हस्बैंड प्यार ही नहीं करते, बताओ। ये देखो कलर ही नहीं आ रहा है, ये देखो बिल्कुल कलर दिख रहा है मेहंदी में, कुछ कलर ही नहीं आ रहा है ये। इसका मतलब क्या, हस्बैंड प्यार नहीं करते? अब मेरे को आप ये बताइए, अब एक्सपायरी डेट की मेहंदी लगाओगे तो हस्बैंड का प्यार थोड़ा चढ़ जाएगा किसने उसके बोला कि वो ऊपर, एक्सपायरी डेट की थी? ठीक वो है? कौन पहले से रखा हुआ था मेरे पास, तो मैंने पहले से सोचा रखा हो तो लगा मतलब लेती हूँ। एक्सपायरी डेट, ठीक है। तो अभी हम हो जाते रेडी, बच्चे भी रेडी हो गए, और थोड़ा जो बचा कुचा काम है वो कर लेते हैं, और उसके बाद निकलते हैं हम जहां को जाना है, और हम दिखाते हैं कि हम आपको कहाँ जा रहे हैं। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारी वीडियो के साथ। अभी तक मोटी बोल रही थी मैं रेडी हो गई, देखिए तो शूज भी अभी पहनू क्या? तो पहने जा रहे हैं इनके शू, और कब होंगी रेडी? रेडी हो गई हूँ मैं, बस ओनली शूज। बंदूक के दू नाली मेरा झुमका रह गया बक्सा में। कहाँ रह गया दक्षु झुमका? हाँ बक्सा में, केक बक्सा में। ये देखो, आई एम रेडी। तो और मैं रेडी जाने के लिए, क्या तो बन गया? ये हो चुके हैं मेरे बेटे भी रेडी। बेटी मेरी बेटी नहीं हो आप लोग, मेरा बेटा हो। बेटा तो चलिए गाइस, गाड़ी पहुंचने वाली है, अभी निकलते हैं थोड़ी देर में और आपसे मिलते हैं। थोड़ी जनाब देर को के हो बाद यू चुके हैं रेडी और रेडी, मैं जा रही और हूँ आज देखिए जा रही है स्कूल। स्कूल आज बहुत सेकेंड दिनों के मंडे के बाद, दिन स्कूल जा रही है, 12th क्लास के बाद आज डाला है वाला बैग मैंने। गवी ठीक का तो है। लेके जाती हूँ, लेकिन ये दूसरा है ना। ये तो कैमरा और का यहाँ बैग देखो गवी भी हो चुका है रेडी। है, ये मेरे पास है कैमरा फोटो खींचने के लिए। अरे अच्छा, और ये क्या है? क्या मफलर, मफलर है, गमछा बोलते हैं उसको, गमछा। तो चलिए गाइस, आने वाली है हमारी गाड़ी और हम कर रहे हैं गाड़ी का वेट, निकलते हैं अभी हम, और फिर मिलते हैं आपसे। और अभी हम निकल रहे घर से, और मोना लगा रही है लॉक। ठीक है, बढ़िया। और मम्मी लोग चले गए, हम लोग निकल गए हैं। देखो मेरे मैं पीछे स्कूल ड्रेस तो, पहन रही हूँ। और इस बेचारी का, ये पूरी फैमिली जा रहे हैं, बस दिप्पी रह रही है क्योंकि इसका है आज SST का टेस्ट। रो मत बेटा, रो मैं मत, क्यों रोऊँ? रोने की जरूरत नहीं है। और निकल गए घर से, ठीक है, रहने दो। मैं यहाँ हूँ पीछे, देखो। अरे पाले जा, and I play dead, and I stay dead. Baby, you'll get sick of being a monster. Out of my head, under my bed, think you're something out of my nightmare. So guys, मुझे बुलाना है डुटाल। डुटाल नहीं बताया, सबके पास थोड़ा थोड़ा सामान है। हम लोग गाड़ी से उतर गए हैं, और फाइनली अब मैं आप लोगों को बता देती हूँ, हम लोग जा रहे हैं थलकेदार। और इंटरेस्ट दिखाते हैं हम आपको थलकेदार का। हाँ, यहाँ तक थी गाड़ी और यहाँ से आगे को है पैदल, दिखाते हैं आपको। और ये है थलकेदार का एंट्रेंस। हमारे साथ साथ देखिए आप कितने सारे लोग और जा रहे हैं। हो गई है एंट्रेंस, ये देखिए यहाँ से एंटर हो गए हम थलकेदार को। और ये थलकेदार के बारे में लिखा हुआ, जैसे आप देख सकते हैं, वो पढ़ भी सकते हैं। और मैं अभी दिखाता हूँ आपको इसका जो कितनी हाइट पे है। तो ये है आपका 1527 मीटर की हाइट पे, देखिए ये उत्तराखंड टूरिज्म ने बोर्ड लगाया हुआ है, यहाँ पे आप पूरा इसका देख सकते हैं जो भी डिटेल है। तो अभी हम चलते हैं आगे की ओर, और आपको दिखाते हैं यहाँ से नज़ारा चारों ओर का। और ये देखिए
देखिए पूरे जंगल ही जंगल। और देखिए इन्होंने कर दिया है केवल, मैंने पकड़ा वो तो देखते हैं कितनी देर तक पकड़ती है। आटे का कट्टा ये हम लेके जा रहे हैं मंदिर में चढ़ाने के लिए। ये तो कितनी देर तक पड़ती है देखा जाएगा। सबके पास कुछ ना कुछ है। तब तक आप लीजिए प्राकृतिक नजारों का मजा और हम लेते हैं बीवी के साथ चलने का मजा। और बारिश की बूंदे एक तो आ रही है गाइस, अभी आएगी नहीं लगता है। भोलेनाथ का आशीर्वाद रहा तो। और मोटी को सांस अभी से फूल लगी है और मेरी भी थोड़ी थोड़ी। अरे नहीं फूल रही है तो अभी तो शुरुआत है। जाएंगे तो थोड़ा कुछ काम कर लेना चाहिए, लेकिन सच में मैं तो ये आटे का कट्टा पकड़ के थकी गई। खा खा के खुद कट्टा हो रही है, कट्टा कहाँ से पकड़ी। यहाँ का कच्चा रास्ता देखो गाइस, इसने केवल दिखाने के लिए पड़ा था आटे का कट्टा, ये वही। नहीं ये झूठ बोल रहे हैं, इन्होंने मेरे हाथ से छीन लिया कि तुम थक जाओगी लाओ मुझे दे दो। सब अलग अलग टुकड़ियों में चल रहे हैं, सबसे लास्ट में हूँ मैं, मम्मी पूजा दिख रहे हैं। गर्व लोगों का तो पता नहीं कितना हो चुके हैं क्रॉस। और बहुत सारे लोग पूछ रहे थे आपकी सासू माँ कहाँ है, सासू माँ कहाँ है, तो सासू माँ है यहाँ। मम्मी की तबीयत दो चार दिन से ठीक नहीं चल रही थी, अब मम्मी बिल्कुल ठीक है। मम्मी को हो रहा था टाइफाइड और आज मम्मी स्वस्थ होके आई है थलकेदार भोलेनाथ के दर्शन करने। हो गई है बारिश स्टार्ट, मैंने पहन लिया है रेनकोट का अपर थोड़ा सेफ्टी के लिए, बट उतनी तेज नहीं हो रही है, देखते हैं अभी। ये देखो बंदूक है दूनाली मेरा झुमका रह गया बक्सा में। झुमका कहाँ है तुम्हारा, तुम्हारे तो सर पे पीठ में बैग ऑटो रह गया बक्सा में। यार वो भीग जाएगा तो ऑटो। ये देखो गाइस, इनको किचारों को बता रही कैसी फीलिंग आ रही है। मैं बोल रही हूँ कि मुझे दे दो, लेकिन दे नहीं रहे कट्टा, तो मैं क्या कर सकती हूँ भाई। कैसे दे सकते हैं आटे का कट्टा, दे दो भाई दे दो। जब लेबर है साथ तो डरने की क्या बात। और ये है हमारे पीछे का व्यू, देखो पूरा जंगल ही जंगल है चारों तरफ। अपनी अपनी श्रद्धा है, ये दोनों बच्चे जो हैं नंगे पैर जा रहे हैं ऐसे रास्ते में। हो सकता है क्या पता इन्होंने कुछ मन्नत मांगी हो या मांगना चाहते हो। भोलेनाथ इन दोनों बच्चों की मन्नत पूरी करे। और यहाँ से स्टार्ट हो गई है चढ़ाई, सबसे पीछे मैं और मेरे फौजी साहब हैं, सब निकल चुके हैं आगे। और इनसे मैं कितना मांग रही हूँ ये आटे का कट्टा, बट वो नहीं दे रहे हैं, बोल रहे हैं मैं ही पकड़ूंगा। आज जोश आया है? जोश नहीं आया भाई। क्या आया फिर बताओ? बीवी आई है। बीवी आई है, सबको पता है बीवी आई है, दिख रही है बीवी। मैं तो सांस फूलने लग गई है। इनके फौजी होने का मुझे ये फायदा हो रहा है, वरना कट्टा तो जैसे तैसे होते, कट्टा तो मेरे हाथ में दे ही देते। किलो पकड़ो हाँ इधर को। प्यार ना होगा कम, देखते हैं। ये बोल रहे हैं प्यार कम नहीं होगा, देखती हूँ मैं कब तक कम नहीं होता है। और हमें LIC जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। अच्छा हमें तो पता ही नहीं था। गाइस हम लोग हैं सबसे लास्ट और मैं आपको दिखाती हूँ हमारी आगे की टीम, फैमिली पूरा कर रही है हमारा रुक के वेट। से आगे है मम्मी और मम्मी से आगे सब लोग कर रहे हैं हमारा वेट, क्योंकि हम हैं सबसे पीछे। और वहाँ पे चल रहा है फोटोशूट और मोटी ने पकड़ लिया है बैग फाइनली, ये तो देखिए। मैंने बोला थोड़ा पति धर्म हमें भी निभाने दो, बेचारे पसीने में लथपथ हो गए थे अभी। बड़ी मुश्किल से मम्मी ने अपना वो सरमे वाला दे के पसीना तो काफी आ गया था, पसीना बहुत आ गया क्योंकि क्या हाइट बहुत है। थोड़ा हमें भी दो सेवा का मौका, चलने की इतनी आदत नहीं है अभी फिलहाल, पिछले 2-3 साल से, बट चलता है सब। और अब गोद में नहीं चल रहा है, बोल रहा है मुझे पैदल चलना है। वो देखो ताई हाथ पकड़ रही है लेकिन बोल रहा है मुझे पैदल चलना है। दक्षु गोदी नहीं, कैसे चलना है फिर? ऐसे ही आओ, फिर ऐसे ही आना है तो आ जाओ। और अभी दक्षित ने चेंज कर ली है गोदी, अब दक्षित आ चुका है मम्मा के साथ। और बहुत सारे लोग जा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे भी जा रहे हैं। Lay down.
Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palms. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. You know I'm addicted to you, and it's twisted, you've been gifted with the evil voodoo. Got me coming back for more, even when I've been screwed. Dolls full of pins, pierce my heart straight through. I got issues in my head, I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test, I better not text or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my nightmares, standing right there. But if I lay down and I play dead and I stay dead, then will you get bored again? So if I play dead, regret everything that you did, that you said. I don't think you understand what you're doing. And my heart's black and blue from the bruising. I feel like when I'm with you I'm losing. I feel like you think that this amusing. Sitting there gaslighting and confusing. Was it me? Is it me? Am I deluded? I'm the one who's always sorry, the conclusion. Even though I offer all of the solutions. I wish you loved me like I love you, it's stupid. When I'm alone with you, I never feel lucid. I wish I wasn't struck by Cupid. I wish when I first saw you, I knew this. When I'm with you, I feel so useless. I feel diluted, my heart's been wounded. Silhouettes of you are like a taunt. Never really know just what you want. With you I don't ever feel calm. I can feel the sweat inside my palm. Play with me like cats and a string. You don't understand the pain it brings. You don't ever wanna give me wings. You don't ever wanna set me free. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby you'll get sick of being the monster. Out of my head, under my bed, thinking something out of my से ऊपर को है पूरी खड़ी चढ़ाई। मम्मी चल नहीं पा रहे हैं तो मम्मी आ रही है मनुदा के साथ धीरे धीरे। उन लोगों से आगे हूँ मैं। बेचारों की हालत खराब हो गई है। हालत हो गई खराब, एक्चुअली खराब हो गई है। पसीना टपक रहा है, देखिए पसीना पसीना हो गए हम। इकबाल पसीना, मैं पानी पानी, हम पानी पानी, हम पसीना पसीना हो गए। और रास्ते की हालत है बहुत खराब। एक तो बारिश का मौसम है, ऊपर से रास्ता है कच्चा, छोटे बड़े पत्थर हैं, तो कीचड़ कीचड़, ऊपर से स्लिप होने का डर भी है। और मैं दक्कू पे, और दक्कू है ताई के पास। ताई बेचारी भी थक चुकी है, हम थक गए हैं। और यहाँ आ रहे हैं खच्चर। ये देखिए ये बज रही है इनकी घंटियां। दक्षु क्या है देखो, गए। ये देखो रास्ता बहुत ही हो रहा है खराब। यहाँ पे डर लग रही है गिरने की। गाइस ये देखो लंगूर कैसे बैठा हुआ है, वो देखो। ये एक दूसरे को दे रहे हैं आवाज। एक बैठा है इधर, उसका साथी लक्षु देखो काटेगा वो। चलो 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 चलो, एक ही आके बैठ गया है। लक्षु देखो कहाँ है, लक्षु क्या है। और कुछ लोग दर्शन करके आ भी चुके हैं। केदार के ट्रिप तो हमने बहुत ज़्यादा एंजॉय किया, और मैंने बहुत सारी वीडियो मतलब ब्लॉग कुछ ज़्यादा लंबा बना दिया है, तो ब्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा है, तो इसलिए मैंने इसको दो पार्ट कर दिए हैं इसके। एक पार्ट आज आप लोग आज देख लीजिए, और एक पार्ट आपको नेक्स्ट डे देखने को मिलेगा। जैसे बाहुबली की मूवी थी ना, पार्ट 1 पार्ट 2।
और ऐसे और कंक्लूजन। तो वैसे ही इसके भी दो पार्ट है, एक तो पार्ट है हमारे ट्रैकिंग का और दूसरा पार्ट है थलकेदार के मंदिर का और लटौड़ा के मंदिर का, लटौड़ा के मंदिर या लटेश्वर का मंदिर बोल सकते हो आप, ठीक है वो पार्ट है। तो अभी एक पार्ट तो हमारा केवल ट्रैकिंग ट्रैकिंग है जो हमने आपको दिखाया है, और दूसरा पार्ट और हम दिखाने वाले हैं, दूसरा नेक्स्ट डे आ जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा सेम टाइम पे। और हमने तो बहुत सारा एंजॉय किया, आप लोग जरूर बताना आपको हमारा ये व्लॉग कैसा लगा और इनकी कितनी हालत खराब हुई वो आपने देख ली, इन्हीं की नहीं पूरी बॉडी जो है हमारी पेन कर रही है, हालत सबकी खराब हुई थी, सब लोग थके थे, बट कोई बात नहीं, भोलेनाथ की कृपा से सब अच्छे से है, सब कुछ पूरा ट्रिप अच्छे से हो गया, दर्शन अच्छे से हो गए, वही बहुत बड़ी बात है। तो अगर आज का वीडियो पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि मेरी जो भी न्यू वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। ओके बाय, कल आपको मिलेगा इसका नेक्स्ट पार्ट, कल मिलते हैं।